राजकुमार राव और कंगना रनौत स्टारर फिल्म मेंटल है क्या का टाइटल बदला जाएगा। रिलीज से पहले ही फिल्म के नाम को लेकर कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हो रही है, जिसके लिए फिल्म को क्लियर कराने में कंगना ने CBFC से मुलाकात की है। इस मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि फिल्म में केवल कुछ माइनर चेंजेस होंगे, लेकिन किसी भी सीन को नहीं हटाया जाएगा। फिल्म को US सर्टिफिकेट मिल चुका है। फिल्म के नाम पर इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी ने सेंसर बोर्ड में ऑब्जेक्शन किया था। उनका कहना था कि फिल्म का टाइटल अपमानजनक है और इसमें बदलाव होना चाहिए। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी ने CBFC चीफ प्रसून जोशी से कहा था कि फिल्म मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के कई क्लॉजेस का उल्लंघन करती है, जिसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट और PMO से हस्तक्षेप की मांग की गई है। फिल्म की टीम का कहना है कि फिल्म में लोगों को अपनी पर्सनालिटी एक्सेप्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ये किसी भी तरह से किसी की भावनाओं को हर्ट नहीं करेगी। फिल्म केवल मनोरंजन के लिए है और इसमें किसी का अपमान जैसा कुछ भी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि फिल्म के नाम को मेंटल है क्या से बदलकर सेंटिमेंटल है क्या किया जा सकता है। इस बारे में फिल्म का प्रोडक्शन हाउस बालाजी मोशन पिक्चर्स जल्द ही जानकारी देगा। फिल्म को डायरेक्ट प्रकाश कोविलामुदी ने और प्रोड्यूस एकता कपूर ने किया है। मेंटल है क्या 26 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज होगी।